जय हिंद साथियों। अगर आपने कहावत सुनी होगी कि शेर 10 कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर रहा है या वो डर गया है। वो एक लंबी छलांग लगाने वाला है और अपने शिकार को इस बार निकलने नहीं देगा, इसकी प्लानिंग में और इसकी फिराक में है। वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम आपका कोई सा भी हो, एग्जाम एक ही दिन का होता है लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। जब भी किसी खेल में ओलंपिक्स वगैरह में आपने देखा होगा गोल्ड मेडल लेकर आता है कोई आदमी, कोई प्लेयर, तो वो एक ही दिन दिखता है। जिस दिन गोल्ड मेडल ले आएगा, जिस दिन जीत जाएगा उस दिन दिखेगा, लेकिन उससे पहले सालों की मेहनत को, उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। वही चीज स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की लाइफ में होती है। मैंने 10 दिन पहले आप लोगों को मेंस के लिए एक अनाउंसमेंट दी थी कि भाई आपको मेंस के लिए पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। किसी कारणवश मुझे चीजों में थोड़ी सी कमी नजर आई कि नहीं, ये प्लानिंग ठीक नहीं है। थोड़ा सा एनालिसिस किया, मैंने कहा यार थोड़ी जल्दी कर दी है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 10 से 12 दिन का ब्रेक लिया और आपके लिए चीजों को एनालाइज करके एक ऐसी बेहतरीन प्लानिंग डिजाइन करी है जो आपके मेंस 2024 में। अब देखो हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पूरा एथलेटिक्स तैयार करके, चीजों का निचोड़ बना के, पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करके मैंने आप लोगों के लिए मेंस का ये फ्री बैच तैयार करा है मेरे भाई। और जो रेगुलरली एक दिन की भी छुट्टी किए बिना, एक दिन की भी छुट्टी किए बिना आपको डेली ये क्लास मिल जाएगी। कितने बजे मेरे भाई? ये आपको क्लास मिलेगी डेली 8 बजे। इसको आप बस नोट डाउन कर लो अपने कहीं पर भी, ये टाइमिंग फिक्स है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी इस क्लास में, ठीक है? क्योंकि ये पूरी तरह से वीओडी बैच है और ये बिल्कुल फ्री बैच है, पेड क्लास है जिसका चार्ज लोग करते हैं हजारों रुपया, वो मैं आपसे वाला। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, जिसने इंग्लिश पहले कभी नहीं पढ़ी, जीरो से शुरू करके माइनस की चीजों को फिल करके जीरो पे आया, और जीरो से एक टाइम ऐसा आया जब मैंने फुल स्कोर किया, 4 से 5 एग्जामिनेशंस में मैंने प्री और मेंस दोनों को मिला के फुल स्कोर किया है, छोटे मोटे एग्जाम्स को तो मैंने छोड़ दिया, जिसमें 2019 और 2022 के मेंस में पूरा का पूरा स्कोर है। 19 में ऑलमोस्ट पूरा मान सकते हैं क्योंकि 195 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हो गए। सबके साथ 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सारा का सारा पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? डेली आपको एक क्लास मिलेगी। आज हमारी पहली क्लासेस फ्री मेंस बैच की, जो सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस और सीएचएसएल मेंस, सबसे पहले सीएचएसएल मेंस होगा, उसके बाद जहां तक है मुझे सीजीएल हो जाएगा सीपीओ से पहले, क्योंकि अभी सीपीओ का फिजिकल है, उसके बाद सीपीओ होगा। इसमें 45 क्लासेस में मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरह से कवर करा दूंगा कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से एग्जाम देने जाना, ठीक है? तो सेशन की शुरुआत करेंगे। साथ के साथ कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारी तरफ से आपके लिए है, जरूरतमंद के लिए, अगर आपको जरूरी लगे तो अपने पास रखना, किसी और को भेज देना, नहीं तो अपना क्लास लेके पेपर देने जाना, ठीक है? ये हमारा गुरुकुल चलता है। अगर मेंस के लिए कोई बच्चा घर बैठे तैयारी नहीं कर पा रहा है, वेलकम है, आप मेरे पास आइए, आपको किसी भी तरह की डायरेक्शन, किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह का कंटेंट, कुछ भी चाहिए, मेरे पास आ जाओ। आपको रहने से लेके खाने तक, क्लासेस तक, डाउट्स तक, किसी भी चीज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, सब कुछ मैं अकेला प्रोवाइड करा दूंगा एक ही जगह पर, ठीक है? कहीं कुछ करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। प्री की अगर तैयारी करना चाहते हो, प्री के लिए आ जाओ, 2025 के लिए आ जाओ, मैं हर तरह की तैयारी आपको करा दूंगा। ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है? दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है। और अगर घर बैठे ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे सारी की सारी पेड क्लासेस चलती हैं। सीपीओ मेंस के लिए स्पेशल बैच है हमारा, मास्टर बैच। इसके अलावा इसमें आपको डेली टारगेट भी मिलता है। सबसे महंगा बैच यही है 750 रुपए का, बाकी सारे के सारे 500 या 400 रुपए के कोर्सेज हैं। आप कोई सा भी सीजल मेंस, सीएचएसएल मेंस, किसी भी एग्जाम के लिए मेंस का बैच अलग से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेस का आनंद लीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर वेयर कर देना बाकी के दोस्तों तक। ये हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyapp.com वेबसाइट है, ओपन स्टडी गुरुकुल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको हर क्लास की 45-45 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल फ्री में। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है? किसी तरह की इंक्वायरी के लिए। अब सेशन की करते हैं शुरुआत, ठीक है? अब आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है? जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा है उसके बेस पे यहां पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है भाई? तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो, यहां पर लिखा हुआ है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक दिस अंडरस्टैंड इट फुली। इसमें देखो क्या गलती है, कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपका इन डिटेल्स लिखा हुआ है तो ये गलत है। पता है क्यों?
क्योंकि डिटेल में जब आप एस लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है, और नाउन से पहले आप इस तरह से इन लगा के, ये तो एडवर्ब है, ये जो इन डिटेल्स है ना ये एडवर्ब है, तो आप यहां पे एस नहीं लगा सकते। अकेला डिटेल्स होता है जब इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो डिटेल्स बता सकते हो, डिटेल्स कर सकते हो ऐसे करके, ये सही है। बट इन डिटेल गलत है, इन डिटेल्स गलत है, तो यहां से आपको करना क्या है, डिटेल में से एस हटा देना, सिर्फ इन डिटेल होगा क्योंकि ये एडवर्ब है। किसी भी चीज को विस्तार में जब बताया जाता है तो उसको इन डिटेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट, मिस्ट्रेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज, कभी भी किसी कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं, मैंने कल की क्लास में ही, लास्ट क्लास में ही सिखाया था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर बनाना हो तो एस लास्ट वाले वर्ड में नहीं लगता है, ऑल लगा हुआ है तो प्लूरल तो बनाना ही पड़ेगा, डॉटर में एस लगेगा, जो मेन नाउन होता है उसी में एस लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी होगा इसका करेक्ट आंसर, समझ गए। नेक्स्ट, मिस्टर रॉयज आईज वाइडेंड इन सरप्राइज, जो मिस्टर रॉय थे उनकी आंखें गीली हो गई, भर आई इन सरप्राइज, सरप्राइज से, इन सरप्राइज जब उसको सरप्राइज मिला, सही है। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो। हाँ, कोई गलती नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, नो एरर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट, आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर नहीं होगा, आई हैव चेक्ड दिस मंथ्स कैलेंडर होगा। मंथ में एपोस्ट्रोपीएस और कैलेंडर, पता है क्यों, क्योंकि देखो कैलेंडर पे नाउन का अधिकार है, किसका, मंथ का, इस पर पोजीशन है, तो यहां पे पोजीशन दिखाना पड़ेगा, मंथ्स कैलेंडर करना पड़ेगा। सर नॉन लिविंग में तो एपोस्ट्रोपीएस लगता ही नहीं है, बट टाइम के सेंस में लग जाता है, वन डेज लीव, टेन डेज लीव, कल की क्लास में ही बताया था, लास्ट क्लास में ही, फिफ्थ क्लास में, ठीक है। तो मंथ्स कैलेंडर होगा, सी वाले पार्ट में गलती, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आयुषी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, बताओ। कभी भी मास्टर डिग्री नहीं बोलते हैं, मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, मास्टर्स डिग्री ऐसे करके बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इस डिग्री पे अधिकार है मास्टर का, ये डिग्री जो है कौन सी वाली है, मास्टर डिग्री। कभी भी मास्टर डिग्री नहीं बोलते हैं, मास्टर प्लान बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री इज डिग्री को अगर आप बोलोगे तो मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, ठीक है, मास्टर्स डिग्री। नेक्स्ट, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट, देयर इज नो मनी इन द, देखो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी दो नाउन का कॉमन पोजिशन जब होता है एक नाउन पे, यानी कि क्लोज रिलेशन है, तो हमें सिर्फ एक ही बार एपोस्ट्रोपीएस यूज करना होता है बाद वाले में। भाई ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों का होगा, तो पोजेशन एक ही बार यूज करेंगे, पहले वाले में एपोस्ट्रोपीएस नहीं आएगा, बी वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ये नाउन केसेस का पार्ट है, ठीक है, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है वहीं से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है भैया। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, देखो यहां पे पेयर के साथ में ऐसा होता है कि अगर आप पेयर से पहले नंबर लिख देते हो, प्लूरल नंबर, तो भैया प्लूरल नंबर के साथ अगर पेयर और ऑफ प्लस नाउन ऐसे लिखते हो तो यहां पे आपको इस पेयर का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, पेयर्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है 35 पेयर नहीं होगा, 35 पेयर्स होगा, क्योंकि एक पेयर दो चीजों का बनता है, पेयर के साथ में एक्सेप्शनली आपको ये चीज यूज करनी है। इसके अलावा अगर कोई और वर्ड आता है जैसे 100, 1000 या फिर स्कोर या डजन, तो उनमें एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ पेयर में लगता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 35 पेयर्स ऑफ शूज, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखो, थ्री समवंस
हैव बीन इशूड। देखो समवन एक ऐसा नाउन है, मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे न्यूज, इनिंग्स, फिजिक्स, समवंस, यूनाइटेड स्टेट्स, है कि नहीं, बिलियार्ड्स, लिंग्विस्टिक्स, अरेबियन नाइट्स, ये सब। तो इनमें एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो इससे पहले थ्री जो नंबर है ये तो प्लूरल है, तो इसके बाद ये भी प्लूरल आना चाहिए। तो समवंस का प्लूरल समवंसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लूरल क्यों बनाना है, क्योंकि थ्री भी लगा है और हैव भी लगा है, तो थ्री समवंसेस हैव बीन इश्यूज। ए वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। बताओ 3 lakh पीपल, ये नाउन नंबर का पहला कॉन्सेप्ट यही था मैंने जो सिखाया था कि या तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन उसमें दे रखा हो तो आप लैख या डजन या हंड्रेड इनमें एस नहीं लगाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल ये सही है, या फिर अगर आपने नंबर लिख दिया है 3, 2 जो भी है, 3 lakh तो इसमें एस नहीं लगाओगे, 3 lakh पीपल, और ना ऑफ लगाओगे, तो यहां पे 3 lakh पीपल लिखना पड़ेगा, लैक्स पीपल नहीं करोगे। तो गलती क्या है कि यहां पे 3 आ गया तो लैक्स नहीं होगा और ऑफ भी नहीं होगा, 3 lakh पीपल एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल है, तो यहां पे पहले वाले पार्ट में गलती है, एस नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा, या फिर 3 हटा दो तो लैक्स ऑफ पीपल ये अनएग्जैक्ट नंबर हो जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, इसका आंसर कौन बताएगा? अंकित सफल नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है, हैं? इसको दो तरीके से आप सही कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं ही डज नॉट लेबर हार्ड, ही डज नॉट लेबर हार्ड, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ही लेबर्स हार्डली, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, दोनों करेक्शन सही हैं, ठीक है। हाँ, तो आप दोनों में से कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है ना, या तो लेबर्स हार्डली कर सकते हो या डज नॉट लेबर हार्ड, ऐसे कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई मेहनत करेगा तो सफल क्यों नहीं होगा भाई, वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज कैसे हो जाएगा? इज तो सही है, इज तो उसने सही लगा के दिया, लेकिन सीनरीज जो है वो प्लूरल नहीं बन सकता, सीनरी का प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज, तो पहले वाले पार्ट में गलती है, कुछ लोग इज की जगह आर करके आ जाते हैं कि सर सीनरीज प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा जल्दी से? A few tiles on sky lab were the only equipments that, देखो equipments नहीं होता है equipment, ठीक है, advice, hair, है ना, mischief, और आपका scenery, poetry, furniture, equipments, information, इनमें s नहीं लगता, इनका plural नहीं बनता, equipment, cost, इनका plural नहीं बनता है, मैंने बताया था, सिखाया था अच्छे से सब कुछ, equipment का plural नहीं बनेगा, समझे, क्योंकि uncountable noun होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमेटेड बाय हिज बॉसेस बुलिंग। कल की क्लास में, इससे जस्ट पिछली क्लास, क्लास नंबर 5th का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो था ना, सबसे लास्ट नहीं मतलब
नाउन केसेस में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नाउन हिसिंग साउंड देता है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन आता है. एग्जाम्पल भी दिया था, बॉसेस ऑर्डर्स ऐसे करके. हिसिंग साउंड आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन आएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है ना. तो आंसर आपका सी होगा. नेक्स्ट, दिस मिसोगिनिस्ट हेट्स ऑल अदर ऑल मदर इन लॉज. देखो ऑल आ गया तो ऑल के बाद जो भी कंपाउंड नाउन होगा वो प्लूरल नंबर में होना चाहिए, प्लूरल नंबर में. लेकिन जब भी कंपाउंड नाउन का आप प्लूरल बनाओगे तो यहां पे लॉज में यानी कि लास्ट वाले में एस नहीं लगता है, मेन नाउन में एस लगता है. ठीक है, मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉ होता है. ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा. मदर्स इन लॉ लास्ट की क्लास में ही सिखाया था नाउन केसेस में कि कंपाउंड नाउन का अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो एस मेन नाउन में लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं तो लास्ट वाले में लगता है. आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, बिल्कुल गलत गलत है. पहली बात तो कार्य में आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि कार्य अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन. और उससे पहले मैनी भी नहीं लगा सकते, मच वर्क करना पड़ेगा या मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा. तो आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है भाई, आगे चलेगा. द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरोन एंड शेली. भाई पोइट्रीज नहीं होता है, सिर्फ पोइट्री होता है. पोइट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन. पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हियर, मिसचीफ, लगेज, वैगेज, कॉस्ट, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इनका प्लूरल नहीं बन सकता. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑनली द ऑप्शन दैट कैन बी द आंसर. अगला बताओ. नेक्स्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस. नहीं होता है. देखो फेनोमिनन का प्लूरल फेनोमिना होता है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस, समझे. डेटम और डेटा, डेटा प्लूरल होता है, क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया. क्राइटेरिया होता है, समझे, ना कि क्राइटेरियंस. तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा. फॉर द पोस्ट अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस नहीं, क्राइटेरिया. द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता है, सिर्फ फर्नीचर होगा क्योंकि यह भी अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बन सकता. किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है. ठीक है, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज. मोस्ट पीपल आर अफ्रेड, ज्यादातर लोग डरे हुए हैं. देखो यहां पे मोस्ट पीपल का मतलब होता है, थोड़ा सा फर्क होता है. देखो मोस्ट पीपल का मतलब हो जाएगा ये, और मोस्ट ऑफ द पीपल है कि जैसे इतने लोगों को स्वाइन फ्लू से अफेक्ट किया गया, इतने में से. अब इसमें से ज्यादा लोग होते हैं ये मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं, और मोस्ट पीपल कर दिया मतलब दुनिया के सारे लोगों में से ज्यादातर लोग. ऐसा नहीं है स्वाइन फ्लू पूरी दुनिया में फैला होता है ना. तो मोस्ट पीपल की जगह आपको मोस्ट ऑफ पीपल करना पड़ेगा. और ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि यहां पे जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री की तरह आप यूज करोगे तो गलत हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देयर आर नो पोइट्रीज, कोई भी पोइट्रीज नहीं है. यार नो के बाद तो वैसे भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, और पोएट्री का वैसे भी प्लूरल नहीं बनता है. तो देयर आर नो पोएट्री, और देयर आर भी नहीं होगा, देयर इज होगा. यहां पे दो दो पार्ट में गलती है, देयर इज नो पोएट्री. ठीक है, दो दो पार्ट में गलती है. आंसर आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा. अब याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन गलती दोनों जगह है तो आपको दोनों जगह सही करना पड़ेगा. ठीक है,
दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स. देखो भाई, स्टोन एक अनकाउंटेबल नाउन है, पत्थर. ठीक है, पत्थर जो होता है, पत्थर जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसमें आप एस नहीं लगा सकते, तो स्टोन्स नहीं होगा, सिर्फ स्टोन होगा. ठीक है ना? हाँ, या फिर ब्रिक्स कह सकते हो. ठीक है, आगे चलिए. नेक्स्ट, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस. बताओ एक भी ऐसी चीज हो जो मैंने आपको नहीं सिखाई हो. जैसे स्टोन्स वाली चीज है, उसमें तो लॉजिक लगा दिया है, तो लॉजिक तो आपने सीख ही लिया था पहली क्लास में. अब यहां पे मैंने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस बताया था कि यहां पे जो प्रिंसिपल होता है ये तो प्रधानाचार्य होता है, ये गलत हो जाएगा. प्रिंसिपल सोचें सिद्धांत, प्रिंसिपल्स अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहता है वह व्यक्ति. ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल्स मतलब अपने सिद्धांतों के साथ. थ्री, सॉरी, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू, तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, इन दिस कंपार्टमेंट. तो देखो, किसी भी कंपार्टमेंट में, किसी भी एक जगह पर, ऑडिटोरियम या कोई भी जगह है, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, जो प्रॉपर जगह होती है, प्रॉपर स्पेस जो होता है, उस स्पेस को हम रूम कहते हैं. जैसे सीट खाली नहीं है तो उसको रूम कहेंगे, प्लेस और स्पेस नहीं. मैंने बताया था ये सब, देयर इज नो रूम ऑफ यू, यहां पे तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा कोई जगह यहां पर नहीं है. ठीक है ना? तो आंसर आपका हो जाएगा बी. समझ में आ गया? बी हो जाएगा. लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट. नहीं, हायर मीट कॉस्ट. मैंने बताया था ना कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, कॉस्ट, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, इनका प्लूरल नहीं बनता है, कॉस्ट का भी प्लूरल नहीं बनता है. सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाएगा. देयर आर स्टैंडिंग एट द गेट द ऑडिटोरियम, देयर आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस. नहीं, सॉरी, दे आर है, दे आर आर नहीं है. दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस. नहीं, नो रूम होगा, क्योंकि ऑडिटोरियम में कोई जगह खाली नहीं है. किसी भी क्लास में, किसी भी ऑडिटोरियम में, कहीं पर भी जब जगह खाली नहीं होती है तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है? रूम लगाना होता है, ना कि स्पेस और प्लेस. समझे? सी वाले पार्ट में गलती. वी गेट एक्सलेंट फर्नीचर्स. नहीं होगा, सिर्फ फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं, सिर्फ फर्नीचर होगा. ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती है. नेक्स्ट, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, क्रॉकरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, इनका प्लूरल नहीं बनता, द लगेज, और आर भी नहीं होगा, ये सिंगुलर होते हैं. ठीक है, द लगेज इज हैवी होगा. सी वाले पार्ट में गलती है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बन सकता, नाउन नंबर से सवाल पूछे जा रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट, हरी लॉस्ट अ 100 रुपीज नोट. देखो भाई, नोट तो हो गया नाउन, और यहां पे आर्टिकल जो है ये नोट के लिए काम कर रहा है, एक नोट है 100 रुपए का, तो यहां रुपए में से एस हट जाएगा, क्योंकि यहां पे जो रुपी है वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. अगर हंड्रेड्स ऑफ रुपीज होता तो सही था. ठीक है ना? तो यहां पर ये बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका हो जाना है बी. ठीक है, नेक्स्ट, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ये नाउन नंबर का आखिरी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि जब भी किसी सेंटेंस में एक नाउन हो और एक प्रेपोजिशन हो, फिर वही सेम नाउन हो, तो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, बताया था. तो यहां पे स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा. पहले वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका ए. ठीक है, आंसर आपका ए हो जाना है. क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? ऑन रिसीविंग द मार्क शीट,
फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश. देखो पासिंग मार्क्स नहीं होता है, स्लैंग्स इन नाउन, कंफ्यूजेबल नाउन सेक्शन सी के अंदर मैंने ये सब सिखाया था. कंफ्यूजेबल नाउन्स सेक्शन सी में ये मैंने सब सिखाया था कि जहां पे स्लैंग्स इन नाउन यूज होते हैं, नाउन के अंदर कुछ स्लैंग्स होते हैं जो गलत होते हैं, नहीं बोलना चाहिए, वैसा बोला जाता है. जैसे पासिंग मार्क्स नहीं होता, सिर्फ पास मार्क्स होता है. ठीक है, तो यहां पे सी वाले पार्ट में गलती होगी, जो सिखाया वही पूछा जा रहा है, बस यही होता है नाउन टॉपिक में. सम ऑफ हिज लगेजेस नहीं होता है, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका प्लूरल नहीं बन सकता. ठीक है भैया. हाँ स्टेनो लवर, गुरुजी मैं वर्ब की क्लास कब से होने वाला है? वर्ब की क्लास हो चुकी, वर्ब की क्लास हो चुकी है, आप वो क्लास देख सकते हैं. ठीक है, तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी. एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कौन बताएगा. बताओ बताओ ये. एन एमिनेंट सर्जन, देखो एमिनेंट की स्पेलिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमिनेंट जो है वो स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इसका मतलब होता है. ठीक है ना, पहले वाले पार्ट में नहीं है, गलती नहीं है, सब सही है, स्पेलिंग सही है. अ सर्जन कॉन्फ्रेंस सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, इसका आंसर हो जाएगा भैया नो एरर. ठीक है, चलिए. बुक्स फेयर एनकरेज रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट. बुक्स फेयर एनकरेज, देखो यहां पे जो बुक्स फेयर है ये गलत है, यहां पे बुक फेयर होगा, पता है, क्योंकि यहां पे जो बुक है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है और फेयर जो है वो आपका नाउन है, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं बनता. ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आई बॉट टू स्लीपर्स. भाई टू स्लीपर्स कभी नहीं खरीदते, क्योंकि स्लीपर्स शूज ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई भी दो पीस नहीं खरीद सकते, आप जोड़े में ही खरीदोगे तभी उनका कोई मतलब है. कभी भी दो जूते आप एक ही पैर के लेके आ सकते हो नहीं ना, तो दो स्लीपर्स नहीं खरीदते हैं, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर यहां पे लिखना पड़ेगा, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स. ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स बी वाले पार्ट में, टू स्लीपर्स नहीं, टू पेयर्स ऑफ स्लीपर्स. अगला क्वेश्चन बताओ. नेक्स्ट, द पेंटिंग्स, ये पेनिंग नहीं पेंटिंग्स होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है. द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर, ठीक है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में मिस्टेक है. द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज नहीं, सीनरी होगा. ठीक है, हाँ द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपका आंसर हो गया ए. नेक्स्ट, You shall get all the informations, कैसे हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है ना, बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी हो गया. चलो नेक्स्ट, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, बाइनोकुलर. देखो अब पेयर ऑफ बाइनोकुलर नहीं होता है, बाइनोकुलर्स होता है. देखो पैंट है, टोंग्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स ट्राउजर्स टोंग्स स्पेक्टिकल्स सनग्लासेस आईग्लासेस गॉगल्स फ्राइटर्स. ठीक है, ये रिचेज वेजिटेबल्स बाइनोकुलर्स, इन सब में एस लगता ही लगता है क्योंकि ये प्लूरल में ही यूज होते हैं. ठीक है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ
अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर नहीं होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट, 85,000 रुपीज, 85,000 रुपीज नहीं, 85,000 रुपीज सही है, इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन मंथ, इन अ मंथ, 85,000 रुपीज, रुपीज इज अ सम, सही तो है, नो एरर हो जाएगा इसका आंसर, कोई गलती नहीं है, नो एरर, आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ, द कैटल्स आर, देखो कैटल्स नहीं होगा, सिर्फ कैटल होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैटल खुद अपने आप में प्लूरल है भैया, ये खुद अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, समझे। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers, नहीं होगा, ये तो example भी दिया था, same to same ditto, यही question मैंने example दिया था कि कुछ ऐसे noun हैं जिनका plural नहीं बनता, मतलब plural वो खुद ही plural में होते हैं, मतलब deer plural भी होता है, singular भी होता है, उसमें अलग से plural नहीं बनाना होता, ठीक है, deers नहीं होगा, सिर्फ deer होगा, option number C is the correct answer। Next, मैनी पर्सन हैव मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स, देखो पहली बात तो मैनी पर्सन होगा या फिर पीपल होगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, मैनी पीपल मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स नहीं होगा, अरेबियन नाइट्स होता है, नाइट का प्लूरल है, नाइट्स होगा, ठीक है, ये है आपका बी वाले पार्ट में गलती, अरेबियन नाइट्स जो है वो किताब का नाम होता है जिसमें नाइट का प्लूरल लिखा होता है, ना कि apostrophes, ठीक है ना। चलो इसमें मिस्टेक है, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, नहीं, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट नाउन होता है, सर्किट, सर्किट खुद अपने आप में नाउन होता है और शॉर्ट एडजेक्टिव होता है, तो यहां पे सर्किटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्किट करना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर आपका सी हो गया। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज, मैनी प्लेज तक तो ठीक है लेकिन पोइट्रीज गलत हो जाएगा, ये सिर्फ पोइट्री हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ, इन इंडिया हिल स्टेशन यूजली हैव ब्यूटिफुल सीनरीज, फिर से सीनरीज आ गया भैया, सीनरी होगा, सीनरी पोएट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसीलिए रिपीट हो रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, फर्नीचर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट, देखो भाई अ 10 रुपीज नोट, नोट इज अ नाउन, तो रुपीज इज एन एडजेक्टिव, सो वी कांट मेक प्लूरल नंबर ऑफ एन एडजेक्टिव, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनिंग नहीं होता है मेरे भैया, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, उनमें से एस हटा नहीं सकते, जैसे न्यूज है, न्यू तो एडजेक्टिव बन जाएगा, न्यूज नाउन होता है, न्यूज, इनिंग्स, फिजिक्स, समवंस, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनिंग्स करना पड़ेगा, इनिंग नहीं होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking नहीं होता है, Traffickings नहीं, Trafficking, ठीक है, Trafficking is observed on June 26th. Reading is no longer popular among the youthful, नहीं, देखो among जो होता है कोई भी preposition हो मेरे भैया, उसके बाद object लगाना पड़ता है, और object की जगह पर या तो noun आता है या pronoun, कभी भी adjective आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, नाउन आ सकता है, प्रनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसने एडजेक्टिव लगा रखा है तो ये गलत हो गया, यहां पे नाउन लिख दोगे यूथ, ठीक है, सिर्फ यूथ लगा दोगे, यूथफुल की जगह सिर्फ यूथ होगा, समझे, ए वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है, आई सॉ टू डियर्स नहीं होगा, सिर्फ डियर होगा, क्योंकि डियर का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब बनता है वो खुद ही प्लूरल होता है, डियर अभी भी प्लूरल है, टू डियर, टू फिश, टू सीप्स,
नहीं करोगे सीप करोगे, ठीक है। बस इसमें प्रैक्टिस सेशन टू है ये, ठीक है ना। हाँ तो चलो, अभी इससे पिछली जो क्लास थी, क्लास नंबर सिक्स, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेशन, उसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे के 50 क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिलेटिंग टू नाउन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 51। बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है। देखो सबसे पहली चीज, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी नाउन को, जब भी हम किसी नाउन को एडजेक्टिव बना लेते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है नाउन, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर किसी नाउन को अगर आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो प्लूरल नहीं बन सकता। अब आप देखोगे यहां पे जो आर्टिकल है वो किसके लिए काम कर रहा है। आर्टिकल लिखा हुआ है ए फाइव मैन इंक्वायरी कमेटी। तो एक्चुअली इस पूरे सेंटेंस में जो नाउन है ना, मेन नाउन, वो है कमेटी। उसके पहले वैसे जो इंक्वायरी है वो नाउन होता है, लेकिन यहां पर ये नाउन के लिए काम कर रहा है तो एडजेक्टिव बन गया। मैन भी आपका नाउन होता है, लेकिन यहां पर ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये आपका जो नंबर है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव ही होता है, डिटर्मिनर, ठीक है। और ये जो वर्ब है वो किसके लिए आ रहा है, वो इस कमेटी के लिए आ रहा है, वर्ब वॉज, और वो एक ही कमेटी है। ये ए जो है वो भी आपका कमेटी के लिए काम कर रहा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि बाकी के जितने भी नाउन यहां पे लिखे हैं दोनों एडजेक्टिव हैं। इंक्वायरी तो सिंगुलर है ही है, बस यहां पे ये भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। सिंपल सी चीज है। तो आपकी जो गलती हो जाएगी वो पहले वाले पार्ट में नहीं, बी वाले पार्ट में, सॉरी पहले वाले पार्ट में हो जाएगी, ए वाले पार्ट में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेकंड हैंड फर्नीचर्स वर। तो फर्नीचर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और ये जब प्लूरल नहीं बन सकता तो इसके साथ वर्ब प्लूरल कैसे आ जाएगी। तो यहां पे गलती हो जाएगी आपके बी वाले पार्ट में। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स, फिर से फर्नीचर्स आ गया, यहां पे भी प्लूरल नहीं बनेगा, बी वाले पार्ट में गलती है। बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स नहीं होता है, एट द एज ऑफ टू। तो यहां पे अल्फाबेट ही होता है, अल्फाबेट्स नहीं बोल सकते, लेटर्स बोल सकते हैं। और अगर अल्फाबेट्स बोलोगे तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारी वर्डमालाएं, अलग अलग लैंग्वेजेस की वर्डमालाएं, तो उसका सेंस अलग होना चाहिए था, ठीक है। अगर बॉबी ने, ठीक है, दो साल की एज में अगर उसने अल्फाबेट सीख लिए तो अल्फाबेट का प्लूरल नहीं होता, ठीक है, कभी कोई अल्फाबेट का प्लूरल नहीं बनाता, समझे। तो अल्फाबेट्स नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेट होता है। I watched how the pianist used her left hand. बताओ इसका आंसर। इसमें नाउन की गलती है, बट थोड़ी सी अलग टाइप की है, मतलब एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे पियानो, जानते हो क्या होता है पियानो, पियानो जानते हो, एक वाद्य यंत्र होता है पियानो, और बजाने वाला जो होता है पियानिस्ट होता है, पियानिस्ट जो बजाने वाला होता है, ठीक है। ये तो यंत्र होता है, ये बजाने वाला होता है, लेकिन पियानिस्ट कुछ नहीं होता, पियानोइस्ट कुछ नहीं होता, समझे। तो यहां पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना, ये गलत है, पियानिस्ट होता है, समझे। बस तो यहां पे बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाना है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस, नहीं होगा, सिर्फ लगेज होगा, क्योंकि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, लगेजेस नहीं होगा, सिर्फ लगेज होगा, ठीक है।
अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइज हेयर मिसचीफ लगेज बैगेज कॉस्ट इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन फर्नीचर पोएट्री सीनरी द चिल्ड्रेंस वर हैप्पी. भाई चिल्ड्रेन इज ऑल्सो अ प्लूरल नाउन सो वी कांट मेक प्लूरल नंबर अनदर टाइम. समझे? और चिल्ड्रेन ऑलरेडी अ प्लूरल नाउन तो यहां पे वर्ब प्लूरल एकदम सही है. चिल्ड्रेंस नहीं होता, सिर्फ चिल्ड्रेन होता है. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल. देखो यहां पे जॉन्स बुक, जॉन का प्लूरल बना सकते हो क्या? अनिल्स बुक. आप अपना नाम लिख दो अनिल और इसका प्लूरल बना दो. इज इट पॉसिबल? अनिल्स हो जाएगा. अलग केस में हो सकता है कि अनिल में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो तो चल जाएगा, क्योंकि ये अनिल की किताब है तो किताब पर पोजेशन हो गया. एकदम सही है, ये गलत है. तो यहां पे जॉन्स नहीं, जॉन्स बुक करना पड़ेगा. जॉन्स बुक, ठीक है. एपोस्ट्रॉफी एस आएगा ना कि प्लूरल. इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस. सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं. लगेजेस नहीं होगा, सिर्फ लगेज होगा, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता. अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता. लगेज होता है सामान, बोर या बिस्तर. डिड यू हियर मैनी न्यूज? भाई न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए तो ये सिंगुलर होता है. ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये आपका सिंगुलर होता है. क्या होता है? सिंगुलर होता है. ठीक है, इसीलिए इससे पहले आप मैंने यूज नहीं कर सकते. क्या यूज करोगे? मच यूज करोगे. ठीक है ना? हाँ, मच यूज करोगे. मच. डिड यू हियर मच न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन? एनी न्यूज भी कर सकते हो, मच नहीं यूज करके एनी न्यूज कर सकते हो. अब एनी जो है वो अनकाउंटेबल के लिए या काउंटेबल के लिए यूज नहीं करते. ठीक है ना? वो दोनों के लिए यूज हो जाता है. द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल, एट द फ्यूनरल. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? द पीपल गैदर्ड, लोग इकट्ठे हो गए एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट. यहां पर रिस्पेक्ट वर्ड वैसे यूज कर सकते हैं, बट इसकी जगह अगर हम होमोज यूज करते हैं या ट्रिब्यूट यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि. ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात. हाँ, ट्रिब्यूट आपको यूज करना है या होमेज भी यूज कर सकते हैं रिस्पेक्ट की जगह. सी ऑलवेज फैड, उसने हमेशा खिलाया है अपने बच्चों को. हर चिल्ड्रेंस नहीं, हर चिल्ड्रेन ओनली. भाई चिल्ड्रेन अकेला खुद अपने आप में प्लूरल होता है, तो अलग से प्लूरल बनाने की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन. यहां पे आप देखोगे अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन इज इनकरेक्ट. पता है क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले अपब्रिंगिंग का मतलब समझ लेते हैं. अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण. अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण. पालन पोषण, ठीक है, हाँ. और यहां पे लिखा हुआ है वुमेन. वुमेन कौन होती हैं? ये आपकी होती हैं बॉय. कौन? औरतें जो शादीशुदा होती है. अब अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसका पालन पोषण तो किया नहीं जाएगा. औरत तो ऑलरेडी पली पोसी होती है, बड़ी होती है, तो औरतों का पालन पोषण नहीं किया जा सकता गलत तरीके से. अगर आपको अपब्रिंगिंग लिखना है तो आप दो तरीके से सही कर सकते हैं. या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग ऑफ ऑफ गर्ल चाइल्ड, ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, या ऑफ गर्ल चाइल्ड ऐसे लिख लो. या तो आप पैसे कर लो, ये सही हो जाएगा. ठीक है, या फिर यहां पे अपब्रिंगिंग की जगह वुमेन को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा. इसके लिए एम्पावरमेंट करना पड़ेगा. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन,
या तो औरतों की शक्ति बढ़ाने के लिए या फिर अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है। ठीक है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब इसमें से ये भी सही हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, आइदर कैन बी द आंसर, कोई भी एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट, नहीं विच ऑफ द सर्वेंट्स होगा, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, या विच ऑफ या वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ के बाद में भी सेम, वन ऑफ और विच ऑफ दोनों के बाद में नाउन प्लूरल आता है, तो विच ऑफ द सर्वेंट्स होगा। आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर अ 500 रुपीज, 500 रुपीज, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? तुम्हारे प्यास का, मैंने शॉपकीपर से पूछे क्या तुम्हारे पास चेंज है, है? देखो पहली बात तो ये सेंटेंस गलत लिखा, इसको सही कर लो। ठीक है, गलत देखो क्यों है, क्योंकि यहां पे ए लगा हुआ है, तो यहां पे रुपीज कैसे हो सकता है? अ 500 रुपीज नहीं होगा, अ फाइन, ये थोड़ा सा मतलब इनकम्प्लीट है, पूरा इसको कंप्लीट कर लो। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा। मान लो उसके पास एक नोट है और वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास एक 500 रुपए के नोट के छुट्टे हैं, ऐसे है ये कंप्लीट क्वेश्चन। अ 500 रुपीज नोट, तो ये जो ए है वो नोट के लिए काम कर रहा है, ये तो हो गया नाउन, और बाकी का जो रुपीज है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, तो आपको यहां से एस हटा देना है। जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो आपको उसका प्लूरल नंबर नहीं बनाना होता, ठीक है ना, बना सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है ना। मेन वर्ब की क्लास हो चुकी है शायद, या फिर यूट्यूब पर होगी आज शाम को, वो देख लेना मेन वर्ब वाली क्लास। ठीक है, देयर लगेज विच वर, उनका जो लगेज है, उनका जो लगेज है, भाई लगेज सिंगुलर होता है तो यहां पे वर कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज अ शॉप फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स फॉर द स्टाफ इज इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर, नहीं 1000 स्क्वायर मीटर्स नहीं, ये तो नाउन है, मीटर्स, स्क्वायर्स मीटर नहीं, स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, सीनरीज कैन नॉट बी यूज बिकॉज सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउ, अनकाउंटेबल नाउ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फूड बास्केट कंटेन्ड अ डार्क चॉकलेट एंड एक्लेयर एंड अ पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। देखो अ डार्क चॉकलेट नहीं हो सकता, एन इन एन एक्लेयर हो सकता है सही है, अ पेस्ट्री हो सकता है सही है, बट अ डार्क चॉकलेट नहीं हो सकता क्योंकि डार्क तो एडजेक्टिव है और चॉकलेट नाउन है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहां से ए हट जाएगा। ठीक है, ए हट जाएगा, डार्क चॉकलेट या तो लिख दो या फिर अ बार ऑफ, या तो ऐसे लिख दो ओनली डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ऐसे कर दो, या फिर अ बार ऑफ, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट ऐसे कर दो। ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ में आई बात? हाँ, आगे चलो, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन नहीं लगा सकते। अरे इन्फिनिटिव जीरेंड होगा, स्टेनो लवर मेरे भैया, कहाँ आपने अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है, लाइव बैच का मतलब समझते हो,
लाइव बैच का मतलब होता है कि इसमें एक एक करके सारे चैप्टर होंगे, जितने चैप्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं और जितने बचे हुए हैं वो अभी होंगे, तो धीरे धीरे होंगे ना, लाइव क्लासेस चल रही है, जैसे अभी नाउन हुआ है, जब खत्म होगा तो कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, धीरे धीरे ऐड होगा, समझे। सारे बैचेस, सारे जितने भी टॉपिक्स आपके होते हैं सब कवर कराए जाएंगे। द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। बी वाले पार्ट में गलती है आंसर आपका। नेक्स्ट, इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, मैंने बताया था स्लैंग्स इन नाउन में कि गियर्स नहीं होता, गियर्स सिंगुलर में ही यूज होता है, ना तो रॉन्ग गियर्स होगा, ना टू गियर्स, थ्री गियर्स, ये सब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स नहीं, समझे। आई हैड विजिटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज, नहीं होगा, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ होगा, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, समझे, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ। टू माई सन्स बर्थडे पार्टी, टू माई सन्स बर्थडे पार्टी, तो ये तो इसमें हो गया, बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स, देखो ग्रेटिट्यूड क्या है, ग्रेटिट्यूड होता है आभार, ग्रेटिट्यूड होता है आभार, समझे, और ग्रेटिट्यूड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रेहाना हैड एवरीथिंग ब्यूटीज, देखना इसका ब्यूटीज कैसे हो सकता है, जानते हो ना ब्यूटीज क्या होता है, ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, समझे, तो रिहाना हैड एवरीथिंग ब्यूटी, यहां पे ब्यूटीज नहीं होगा, ब्यूटी का प्लूरल नहीं हो सकता, ब्यूटी अ गुड फिगर, मतलब उसके पास सब कुछ है, ब्यूटी भी है, एक अच्छा फिगर भी है और एक स्वीट पर्सनैलिटी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फॉर अ फुल वीक सी एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर, देखो बिग सिस्टर नहीं होता है कभी भी, बिग सिस्टर ये चीज अलग से लिख लेना, मैंने सिखाया नहीं होगा आपको, बिग सिस्टर, बिग ब्रदर, ठीक है, स्मॉल ब्रदर, स्मॉल सिस्टर, ये सब नहीं होता है। अगर आप बिग यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह आप एल्डर यूज करिएगा, एल्डर सिस्टर, ब्रदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बिग सिस्टर स्मॉल ब्रदर लिखा है, स्मॉल सिस्टर भी लिख देते हैं और बिग ब्रदर भी लिख देते हैं, तो बिग के लिए, बड़े के लिए आप एल्डर लगाया करो और छोटे के लिए यंगर लगाया करो, समझे, थोड़े एटिकेट सीख लो, यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर ऐसे यूज करते हैं, समझे, ये गलत होते हैं, तो यहां पे आपको बिग सिस्टर नहीं एल्डर सिस्टर यूज करना है। सी वाले पार्ट में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, याद रखना। आगे देखो, नो बैगर हु कम्स टू आर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड, बताओ, नो बैगर हु कम्स टू आर डोर्स नहीं होगा, आर डोर होगा, जो भी हमारे दरवाजे पे आता है उसको हम वापस नहीं जाने देते, या वो खाली हाथ नहीं जाता। टू द वेल, जो वेल मछली होती है, इट्स टेल, उसकी जो पूंछ होती है, इज द सोल मीन, पूरी तरह से संसाधन होती है, मीन ऑफ प्रोपल्सन, मीन्स ऑफ प्रोपल्सन होता है, मीन्स मतलब होता है संसाधन, मीन्स का मतलब होता है संसाधन, समझे। हाँ, ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, ऑल द फर्नीचर होगा, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अब फर्नीचर और एडवाइस इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन तो कभी भी आपसे गलत होगा ही नहीं, ये तो तय है, तो तय है। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट,
दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर. बताओ, मैनी प्लानिंग. पहली बात तो प्लानिंग जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी कैसे लगा सकते हो? मच यूज करोगे. मच प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ही लर्नड द अल्फाबेट्स. नहीं होना चाहिए सिर्फ अल्फाबेट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वर्मिन डज नॉट, वर्मिन सॉरी डज मच हार्म. देखो जो वर्मिन होते हैं, पहले तो ये होता क्या है ये समझ लो. वर्मिन एक एक पूरी कम्युनिटी होती है जीवों की, जो वैसे जो परजीवी होते हैं जो क्रॉप व्रॉप को खराब कर देते हैं, वो टिड्डे विड्डे टाइप के, जो एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा ग्रुप होता है. और ये एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है. ठीक है, जब ये प्लूरल है तो यहां पे आपको वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी. ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है भैया, आगे चलो. एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. शेयर्ड नहीं, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, ना कि ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा, तो आपको यहां पे शेयर्स करना पड़ेगा. नाउन की जरूरत है ना, तो नाउन करना पड़ेगा, शेयर्स करना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द बुक बींग रिटन, वह किताब जो लिखी गई है इन सिंपल लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस. मैनी गुड एडवाइसेस नहीं होगा, मैनी गुड पीसेस ऑफ एडवाइस या तो कह सकते हैं, ये गलत हो गया. या तो कंटेन्स मैनी गुड पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मैनी की जगह मच लगा सकते हैं, मच एडवाइस, मच गुड एडवाइस, मच गुड एडवाइस. ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओनली. नेक्स्ट, ऑल माय होप वर ड्यूब्ड, मेरी सारी उम्मीदों को धोखा दिया गया. एंड आई वॉज प्लंग्ड इन डीप सोरो, और मैं एक बहुत ही बड़े दुख में चला गया. बताओ, पहली बात तो यहां पे देखोगे आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोग तो करते हैं कि सर ऑल के बाद होप है तो होप में ऐसा लगा दो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि होप अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लगा सकते. तो आपको यहां पर जो है ये सिंगुलर ही है. जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी. अब इसमें से एक डाउट और निकल के आता है कि सर अगर मान लो यहां पे ये सिंगुलर है, यहां पे वर्ब सिंगुलर है, तो ये ऑल क्यों आ गया? तो भाई ये आपको सीखना पड़ेगा कि जो ऑल है वो सिंगुलर और प्लूरल, या ऐसे मत लिखो, आप लिख लो कि ये जो ऑल है ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ जाता है, दोनों के लिए आ जाता है. ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें आप, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है भैया, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट. एक्यूरेट डेट नहीं होता, एग्जैक्ट डेट होता है. एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डेट हो या एग्जैक्ट डेटा हो तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना, समझे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. The severe cyclone storm, cyclonic storm has left behind a trail, नहीं a trail. Trail का मतलब होता है एक कतार, एक याद जिसको बोलते हैं ना, trail of misery. ठीक है, ये होता है निशान, इसको कहते हैं निशान. ठीक है, चिन्ह, trail, ना कि trial. A trail of misery, बहुत ही दुख की एक पहचान, एक निशान सा छोड़ गया है साइक्लोनिक स्टॉर्म.
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्सेस, किसी और की एडवाइस पे। आंसर आपका सी हो जाएगा। भाई उसने मेरी एडवाइस पे जो एक्ट नहीं किया है, उसने जो एक्ट किया है वो किसी और की एडवाइस पे किया है, मेरी पे नहीं किया है। ठीक है। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल, सीजर्स जो कि टेबल पे रखी हुई हैं, बिलोंग्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो आर है वो भी सीजर्स के लिए आ रहा है और ये जो बिलोंग वर्ब है ये भी सीजर के लिए आ रहा है, तो भाई दोनों ही प्लूरल नंबर में होगी, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, दोनों प्लूरल होनी चाहिए, तो बिलोंग्स नहीं, बिलोंग टू राधा। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस नहीं होगा, नीड्स एडवाइस होगा अबाउट करियर्स, और करियर्स भी नहीं होगा, करियर्स तो हो भी सकता है लेकिन एडवाइसेस नहीं होगा, करियर्स तो होते हैं, खैर प्लूरल बन जाता उसका। द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस नहीं होता है, सिर्फ एविडेंस होता है, ठीक है ना, सिर्फ एविडेंस, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, नहीं सिर्फ पेज आफ्टर पेज होगा, एक नाउन है फिर बीच में प्रपोजिशन है फिर वही सेम नाउन है, तो दोनों नाउन आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखने होते हैं, ठीक है ना। समझ गए। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड, मैंने आपको सिखाया था कि फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में क्या फर्क होता है, आगे देखो बुक लिखा हुआ है ना, तो फॉरवर्ड तो होता है आगे भेजना, इसका मतलब होता है आगे भेजना किसी भी चीज को, फॉरवर्ड करना, और एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है प्रस्तावना, भूमिका, किताब से पहले लिखे गए जो शब्द होते हैं किताब के पहले उसको, तो यहां पे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक, समझे, तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, नहीं आर्मी के पर्सनल नहीं, मैंने ये सिखाया था पर्सनल और पर्सोनेल में क्या फर्क होता है, पर्सनल और पर्सोनेल में क्या फर्क होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। हाँ, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन, असेंट, असेंट और असेंट में क्या फर्क होता है, ये तो सहमति होती है, है ये तो सहमति होती है, असेंट होता है ये चढ़ाई, ये होती है चढ़ाई, तो असेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोज वुड कर्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स, नहीं फर्नीचर होगा, ऑफ डच डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लाउज, जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में गई तो जो क्राउड था बर्स्ट इनटू अप्लाउज, अप्लाउज मतलब प्रशंसा, बर्स्ट मतलब फूट पड़ना, सब लोग तारीफ से फूट पड़े, मतलब तारीफ करने लगे, हो अल्लाह हूटिंग करने लगे, लेकिन बट सम, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चीयर किया, मतलब खुशी मनाई, वर हर्ड टू, जो भी सुनने को मिली, यानी कि जब एक तरफ सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं और बट लगा हुआ है तो दूसरी तरफ नेगेटिव सेंस होना चाहिए, इसने दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया है, बस्ट इनटू अप्लाउज, जैसे ही टीम ग्राउंड में गई सब लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ खुशी भी महसूस हुई या कुछ खुशी भी सुनाई दी, तो कुछ खुशी दोनों तरफ से खुशी कैसे हो जाएगी, बट लगा हुआ तो एक तरफ चीयर्स नहीं होगा, अब्यूजेस हो जाएगा, अब्यूजेस का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, बुराइयां, क्रिटिसिज्म
बुराइयां भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो चीयर्स नहीं हो सकता क्योंकि बट के बाद नेगेटिव सेंस आना चाहिए एक तरफ, तो यहां पर सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी हो गया। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन, नहीं होगा पुट हिज, देखो हिज जो है वो एडजेक्टिव है तो इसके बगल में नाउन होना चाहिए, सिग्नेचर, सिग्नेचर होगा, ठीक है ना, नाउन होगा, समझे। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग नहीं, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स होगा, ठीक है, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग कुछ नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। नो पोर्टर बींग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस, नहीं ऑल हिज लगेज होता है, सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन, और यहां पे ऑल सही है क्योंकि ये दोनों के लिए आ जाता है, तो यहां पे जो गलती हो जाएगी वो आपका सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है मेरे भैया, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपके पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने देखो नाउन केसेस में सबसे आखिरी चीज यही बताई थी कि जो नॉन लिविंग नाउन होते हैं, नॉन लिविंग नाउन, इसमें आप एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते, जिस पर पोजेशन है उसको पहले लिखेंगे, जिसका पोजेशन है उसको बाद में लिखेंगे, बीच में ऑफ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलैबोरेटली कर्व्ड, पूरी तरह से मोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहां तक अभी आपके हो गए हैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कस्ड, ठीक है। होप सो कि आपको पूरा का पूरा नाउन टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया, सीख भी लिया, पीडीएफ आप तक पहुंच गई है, बाकी की जो दो क्लासेस हैं इसकी भी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारी तरफ से आपके लिए है, जरूरतमंद के लिए, अगर आपको जरूरी लगे तो अपने पास रखना, किसी और को भेज देना, नहीं तो अपना क्लास लेके पेपर देने जाना, ठीक है। ये हमारा गुरुकुल चलता है, अगर मेंस के लिए कोई बच्चा घर बैठे तैयारी नहीं कर पा रहा है, वेलकम है, आप मेरे पास आइए, आपको किसी भी तरह की डायरेक्शन, किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह के डाउट्स, किसी भी तरह का कंटेंट, कुछ भी चाहिए, मेरे पास आ जाओ। आपको रहने से लेके खाने तक, क्लासेस तक, डाउट्स तक, किसी भी चीज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, सब कुछ मैं अकेला प्रोवाइड करा दूंगा एक ही जगह पर, ठीक है। कहीं कुछ करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। प्री की अगर तैयारी करना चाहते हो प्री के लिए आ जाओ, 2025 के लिए आ जाओ, मैं हर तरह की तैयारी आपको करा दूंगा, ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। दिल्ली में हमारा गुरुकुल चलता है, और अगर घर बैठे ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर सारी की सारी पेड क्लासेस चलती हैं। सीपीओ मेंस के लिए स्पेशल बैच है हमारा, मास्टर बैच, इसके अलावा इसमें आपको डेली टारगेट भी मिलता है। सबसे महंगा बैच यही है 750 रुपए का, बाकी सारे के सारे 500 या 400 रुपए के कोर्सेज हैं। आप कोई सा भी सीजल मेंस, सीएचएसएल मेंस, किसी भी एग्जाम के लिए मेंस का बैच अलग से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाकी फ्री क्लासेस का आनंद लीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर वेयर कर देना बाकी के दोस्तों तक। ये हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyapp.com वेबसाइट है, ओपन स्टडी गुरुकुल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको हर क्लास की 45 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, किसी तरह की इंक्वायरी के लिए।